और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मतगणना की तैयारी को लेकर। मतगणना की तैयारी में जुटा हुआ है निर्वाचन विभाग। मतगणना के लिए कार्मिकों की ट्रेनिंग लगातार जारी है। आज जयपुर में 2000 से ज्यादा कर्मचारियों की एक साथ ट्रेनिंग होगी। HCM रीपा, BM बिरला ऑडिटोरियम और इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में कार्मिकों की ट्रेनिंग होगी। मतगणना में रहने वाले प्रत्याशियों के भी ट्रेनिंग की जाएगी, प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों की भी ट्रेनिंग की जाएगी। तो आज निर्वाचन विभाग अब पूरी तरीके से फोकस के साथ जो मतगणना करने वाले कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग में जुटा हुआ है। तो मतगणना की तैयारी में निर्वाचन विभाग जुटा, जयपुर में होगी निर्वाचन विभाग द्वारा ट्रेनिंग की प्रक्रिया। मतगणना के लिए कार्मिकों की ट्रेनिंग होगी बिरला ऑडिटोरियम और इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में प्रतिनिधियों की भी ट्रेनिंग की जाएगी। हमारे सहयोगी लोकेश ओला जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। लोकेश, आप देखिए मतगणना को बहुत ज्यादा दिन नहीं है, निर्वाचन विभाग द्वारा जो फाइनल प्रोटोकॉल्स होते हैं उन्हें पूरा करने के लिए ट्रेनिंग अब दी जाएगी। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके का प्रोसीजर रहेगा ट्रेनिंग का कर्मचारियों की? देखिए बिल्कुल, जो मतगणना की जाएगी 3 दिसंबर को, उस मतगणना के लिए पहले कर्मचारियों को और जो मतगणना में काम करने वाले जो कार्मिक है, किस तरह की प्रक्रिया जो होती है मतगणना की, उसको लेकर फाइनल ट्रेनिंग है वो दी जाती है। जयपुर की 19 विधानसभा सीटों के लिए 2 केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज लिए मतगणना होगी। मतगणना में करीब जयपुर की 19 विधानसभा सीटों पर 2000 के करीब जो कर्मचारी है वो मतगणना का काम करेंगे, जिसमें बैलेट पेपर की काउंटिंग की बात हो या फिर EVM के जरिए जो मतदान हुआ है उसकी, तो इन सबके लिए मतगणना के लिए ट्रेनिंग जो दी जाती है, वो ट्रेनिंग का जो आज फाइनल प्रोसेस है वो आज किया जा रहा है। 2000 के करीब कर्मचारी को एक साथ ट्रेनिंग यहाँ दी जाएगी, जिसमें 3 केंद्र बनाए गए हैं मतगणना स्थल के ट्रेनिंग के भी, जिसमें इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, बिरला सभागार और OTS सभागार के अंदर ये ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है। इन ट्रेनिंग के अंदर 2000 के करीब जो कर्मचारी है वो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, बैलेट पेपर के लिए किस तरह से काउंटिंग की जाती है और EVM की काउंटिंग किस तरह की जाती है, साथ ही जो स्टेटिक्स के जो कर्मचारी है उन्हें भी इसमें लगाया गया है, ताकि स्टेटिकल जो काउंटिंग लास्ट में जो की जाती है उस काउंटिंग के अंदर किसी तरह की चूक नहीं हो और सही से काउंटिंग हो, इन सबको लेकर ट्रेनिंग आज ये फाइनल दी जाएगी। इन कर्मचारियों के साथ साथ मतगणना स्थल पर जो राजनीतिक पार्टी और प्रतिनिधियों के जो प्रत्याशी जो प्रतिनिधि वहाँ मौजूद रहेंगे उनको भी ये ट्रेनिंग है वो दी जा रही है कि किस तरह की से काम मतगणना की जाती है, अगर उन्हें कहीं प्रॉब्लम आती है फिर कहीं असमंजस्य की स्थिति रहती है या जो मतगणना स्थल में अगर ऑब्जेक्शन कहीं लगाना होता है तो उस दौरान किस तरह से काम किया जाए, जो प्रतिनिधि किस तरह से अपना पक्ष वो रखे, इन सबको लेकर आज ट्रेनिंग के अंदर जानकारी वो इन कर्मचारियों को और प्रतिनिधियों को दी जाएगी। जी बिल्कुल, प्रतिनिधियों का जो रोल रहता है या जो प्रत्याशियों का रोल रहता है, लोकेश मतगणना जब होती है और EVM में वोट जब गिने जा रहे होते हैं तो उस दौरान प्रत्याशी, उनके कुछ सपोर्टर्स वहां पर हो सकते हैं, इसका भी पूरा एक प्रोटोकॉल होता है और उसे लेकर भी ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरीके का रहता है पूरा प्रावधान? देखिए मतगणना स्थल पर हर किसी को प्रवेश अंदर नहीं दिया जाता, प्रत्याशियों और साथ साथ जो प्रत्याशियों के जो प्रतिनिधि वहाँ मौजूद रहेंगे एजेंट, उन्हें ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, उनका पहले से आईडेंटिटी कार्ड बनाया जा रहा है। जो एक जो मतगणना कक्ष जो होगा उसमें जो रेलिंग लगाई जाएगी, रेलिंग के अंदर 14 टेबल लगाई जाएगी, उन 14 टेबल पर पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी और उसके बाद EVM मशीनों की काउंटिंग होगी। उस जो रेलिंग जो लगाई जाएगी उसके बाहर जो प्रतिनिधि और एजेंट है वो बाहर मौजूद रह सकते हैं, इसके अलावा बाहर से ही वो जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो देख सकते हैं, साथ ही अगर कहीं ऑब्जेक्शन आता है या फिर कहीं काउंटिंग में गड़बड़ी होती है तो वो आरोप को संबंधित शिकायत करके संबंधित EVM या फिर संबंधित बूथ से संबंधित जो भी समस्या आई है उसकी शिकायत करके पुनः मतगणना है वो करवा सकते हैं। साथ ही जो काउंटिंग जो की जाएगी मतगणना की, उस काउंटिंग के अंदर किसी तरह की समस्या आती है EVM मशीनों के अंदर या फिर VVPAT के जरिए जो पर्ची चेकिंग की, तो वो भी जो एप्लीकेशन देकर या फिर ERO जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको शिकायत देकर उसकी भी जांच करवा सकते हैं। जी
हाँ जी लोकेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो मतगणना की तैयारी में अब ये इलेक्शन विभाग पूरी तरीके से जुटा हुआ है। निर्वाचन विभाग द्वारा जो फाइनल ट्रेनिंग है वो अब आज दी जाएगी और तमाम कार्मिकों की ट्रेनिंग बिरला ऑडिटोरियम सभागार समेत इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में ट्रेनिंग होगी।